दोस्तों आज के प्लान का साइज है 21 फीट x 31 फीट, ये 72 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 651 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 6.5 लाख पर यूनिट। ये फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन 21 फीट, इस साइड का डायमेंशन 31 फीट, बैक का डायमेंशन 21 फीट और इस साइड का डायमेंशन 31 फीट। इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ पे मेन गेट दिया गया है, एक मेन गेट स्टेयर होकर के दिया गया है और एक मेन गेट ग्राउंड फ्लोर के लिए डायरेक्ट यहाँ से दिया गया है। हम लोग सबसे पहले स्टेयर की बात करते हैं। ये स्टेयर एरिया है, इसका डायमेंशन है 12 फीट 11 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 6 इंच, इस साइड भी 6 फीट 6 इंच हो गया। ये लैंडिंग का डायमेंशन है 3 फीट 3 इंच का और एक डायमेंशन यहाँ पे है 3 फीट 3 इंच। ये डोर है बाहर से अंदर आने जाने के लिए, स्टेयर में एक विंडो दिया गया है रोशनी के लिए यहाँ पे, और ये डोर है अंदर जाने के लिए। स्टेयर में यहाँ से अप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। ये जो लैंडिंग है इसी के नीचे में यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है और फिर अप होंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग इस तरफ आते हैं ग्राउंड फ्लोर में, यहाँ से इन होंगे तो ये सबसे पहले गेस्ट रूम आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 9 फीट x 9 फीट 6 इंच, इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट। एक विंडो दिया गया है इस गेस्ट रूम में, ये डोर है अंदर जाने के लिए और इस गेस्ट रूम में मैंने एक सेपरेट बाथरूम दिया है। ये सेपरेट बाथरूम है जिसका डायमेंशन है 9 फीट x 3 फीट 4 इंच, इस साइड का डायमेंशन 9 फीट और इस साइड का डायमेंशन 3 फीट 4 इंच। इस बाथरूम में यहाँ टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ सौर पैनल दिया हुआ है और ये वेंटिलेशन है इस बाथरूम का और ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग अंदर चलते हैं। इस गेस्ट रूम से जब इस डोर से अंदर आएंगे तो यहाँ पे डाइनिंग स्पेस आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 9 फीट 4 इंच x 8 फीट, इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 8 फीट। हम लोग किचन की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से जब हम लोग इस डोर से अंदर आएंगे इस तरफ तो ये किचन दिया है मैंने यहाँ पे जिसका डायमेंशन है 9 फीट 4 इंच x 4 फीट 10 इंच, इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 10 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 4 इंच। एक विंडो दिया गया है यहाँ पे कि इस किचन में, यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है। हम लोग इस प्लान के कॉमन बाथरूम की बात करते हैं। यहाँ मैंने कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 5 फीट 5 इंच x 6 फीट 6 इंच, इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट 5 इंच। इस बाथरूम में यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है, एक ये टॉयलेट सीट लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ पे शावर पैनल दिया हुआ है और ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग बेडरूम की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से जब हम लोग इस डोर से अंदर आएंगे तो यहाँ एक बेडरूम आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 11 फीट x 10 फीट, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट। इस बेडरूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। हम लोग एक और बेडरूम जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से जब हम लोग इस डोर से अंदर आएंगे तो यहाँ एक और बेडरूम आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 11 फीट x 9 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 9 इंच। इस बेडरूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। ये स्टेयर एरिया है, यहाँ से जब आप होंगे तो ये फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और आप होकर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद यहाँ से जब इन करेंगे तो ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा, इसके बाद इस साइड में आएंगे तो ये गेस्ट रूम आ जाएगा और फिर इस साइड में आएंगे तो ये बालकोनी आ जाएगा। यहाँ मैंने एक बालकोनी दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 3 फीट x 21 फीट, इस साइड का डायमेंशन 21 फीट और इस साइड का डायमेंशन 3 फीट।
इधर भी 3 फीट हो गया। दोस्तों ये जो बालकोनी है, इस बालकोनी के लिए हमने आगे की ओर 3 फीट निकाला हुआ है, जो फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम रहेगा, सेम डायमेंशन उसका रहेगा, ये 3 फीट, और बाकी का सारा डायमेंशन वही है। यहाँ पे गेस्ट रूम दिया गया है, यहाँ पे सेपरेट बाथरूम दिया गया है इस गेस्ट रूम के साथ, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे किचन दिया गया है, यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, एक बेडरूम यहाँ दिया गया है और एक बेडरूम यहाँ पे दिया गया है। ये स्टेयर एरिया सेम रहेगा और ये बालकोनी सिर्फ प्लस हो गया है इस प्लान में, फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। दोस्तों ये था हमारा 21 फीट x 31 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।